नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। जोर शोर से चल रही है तैयारी YouTube चैनल पे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स की, जो कि होने ही वाला है। तो आप जो विद्यार्थी हैं वो आशा करता हूँ पूरी तरह से तैयार होंगे और जो यहाँ रिवीजन क्लासेस चल रही है उसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। रिवीजन क्लासेस का मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रैप कर सके जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसी क्रम में जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लाके आए आज। जनरल साइंस का जो टॉपिक है हमने कहा है इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जो कि इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि रासायनिक तत्व होते हैं, जो कि हमारे काम बहुत सारे आते हैं, तो उन पर बेस्ट सवाल हर एग्जाम में आते ही आते हैं। एक दो सवाल यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पांच सवाल होते हैं, पांच में एक दो सवाल यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं जनरल साइंस में था तो मेरा ये है कि पांच में से पांच आप स्कोर कर लो, तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस इस सीरीज में हम ला रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने डीजीएस के बारे में पढ़ा और अब हम इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट केमिकल्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या चीजें होती हैं। इस तरह केमिकल्स जो होते हैं वासिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, प्लास्टोफेरस, पांच जो आपको देख रहे हैं सामने, इसे वासिक सोडा से धावन सोडा भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर में से परमानेंट हार्डनेस को निकालना। इस फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, 10H2O इसमें, यानी कि 10 पानी के तत्व इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हिंदी में कहें तो क्रिस्टलीकरण का पानी, इसे हम कहते हैं। तो सब सब्सटेंस जितने भी बहुत सारे के सब्सटेंस में आपको ये .10H2.5H2O इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो किसमें कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक सवाल ये बन सकता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 10। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है फैक्ट्री में पेपर बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाने में, और वो भी परमानेंट हार्डनेस, जल की कठोरता को कम करने में इसका काम होता है। जल की कठोरता क्या हो गया? अगर हम किसी चीज को धोते हैं दोस्तों, जैसे इसका नाम वॉशिंग सोडा, तो किसी चीज को धोते हैं तो क्या होता है कि पानी होता है, पानी में मैग्नीशियम के आयन मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम के आयन मौजूद होते हैं तो इससे क्या होता है? पानी जो होता है थोड़ा कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कहते हैं उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो पानी जो कड़ा हो गया तो उनको धोने में वहां पर मुश्किल हो जाती है, फिर झाग जो नहीं निकलता है, फिर झाग निकलेगा तो साफ होगा कपड़ा, ठीक है, फिर झाग नहीं निकलता है। तो इसको हटाने का काम क्या करता है? इसी को हटाने का काम करता है हमारा वॉशिंग सोडा। अब हम फिर झाग जो मैग्नीशियम आयन फट गया, पानी जो नॉर्मल हो गया, तो फिर हम उसमें कपड़े अपने धो सकते हैं, नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सोप बना सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा काम क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस वाटर को रिमूव करना। इसके अलावा सोप इंडस्ट्री, कास्ट इंडस्ट्री में इसका काम होता है। H2O में वाटर ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान देंगे। इसके अलावा एक और जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो इसका क्या होता है? ये होता है NaHCO3। ये क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेकिंग पाउडर बनाना। एक चीज ध्यान देने वाली होती है जो कि एग्जाम कंफ्यूज करता है कि जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला ही होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला ये नहीं होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? NaHCO3 के साथ एक हम छोटा सा एसिड लगा देते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड यूजुअली लगाते हैं, तो क्या बना देता है? तो बना देता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है खाना वाना बनाने में। और बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेसिकली मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और जो हमारा बेकिंग सोडा और जो हमारा एक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड, उसका एक मिक्सचर होता है और इसका इस्तेमाल ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल। ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। तो कोई पूछे अगर सवाल में कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लिखेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आग बुझाने में भी होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में इस्तेमाल होता है, एंटासिड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटासिड क्या होता है? जब हमें एसिडिटी होती हो जाती है, पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, तो इनो वगैरह यूज करते हैं, तो इनो एक तरह क्या हो गया? एक तरह का एंटासिड हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी एंटासिड का एग्जांपल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक तरह का बहुत ही पॉपुलर एंटासिड होता है। तो एंटासिड कौन कौन सा हो गया? एक सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो होता है वो हमारा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका काम क्या होता है? इंडस्ट्रीज वगैरह में ब्लीच करने में काम आता है, पानी का साफ करने में। टंकी में इसको हम डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, पानी जो है टंकी का साफ हो जाता है। ठीक है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? कैल्शियम CaO। फॉर्मूला याद रखना इजी है, फॉर्मूला याद रखो आपको केमिकल नेम भी याद हो जाएगा। इसका नाम होता है कैल्शियम CaOCl2, सी इज कैल्शियम, ओ से ऑक्सीजन और सी से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखेंगे क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, नहीं भूलेंगे याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3.2H2O। यहाँ पे मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन दो है, कितना है दो है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन दो है, जिप्सम में वाटर क्रिस्टलाइजेशन दो है, इसका काम सीमेंट वगैरह बनाने में होता है। इसके अलावा बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी आम भाषा में आपने सुना होगा, वर्ल्ड में किसी मिस्त्री वगैरह को पुलते हुए पीओपी का इस्तेमाल क्या पे करना पड़ेगा, तो पीओपी क्या होता है CaCO3.2H2O, उसका नाम क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट हेमी हाइड्रेट, याद रखेंगे हाफ एच टू ओ तो हेमी हाइड्रेट प्लस, तो पेरिस प्रोड्यूस क्या होता है हाफ एच टू ओ होता है, तो वाइस वगैरह बनाने में काम होता है, डेकोरेटिव चीज को बनाने में काम आता है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे होती है वो ये कि अगर यहाँ पे आप देख लो इसका टू एच टू है इसका हाफ एच टू है, तो अगर हम जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं, याद रखेंगे 373 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं तो क्या बन जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितना जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है, 373 केल्विन पे गर्म करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस, महत्वपूर्ण कुछ क्षार और अम्ल जो होते हैं हमारे जिंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बार देख लेते हैं इस टेबल को अच्छे से, आप लोग देख लें अच्छे से एक बार देख लें, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। ठीक है इसका काम सोप बनाने में, पेपर प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट वगैरह बनाने में इसका काम होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है एसिड और बेस किसपे नापते हैं हम लोग, पीएच स्केल पे नापते हैं, अगर पीएच शून्य है इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, चौथा मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है, 0-14 पर इसका स्केल होता है, 7 भी होता है न्यूट्रल होता है, डिस्टिल्ड वाटर एकदम जो प्योर पानी होता है उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। इसके अलावा NaCl का सॉल्यूशन क्या होता है इसका भी 7 होता है, बहुत ज्यादा एसिड है तो 0 से 1 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl वगैरह होता है एकदम यहाँ पे 0-1 के आसपास रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH वगैरह एकदम 14-13 के आसपास वो रहेगा। ठीक है तो पीएच स्केल और पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा वस्तु एसिडिक होगी, उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा, जितना अधिक पीएच होगा उतना ही अधिक वो क्षारीय होगा, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल्को मैग्नीशियम सब क्या है बेस है, MgOH2 इसमें मिल्को मैग्नीशियम फॉर्मूला होता है और ये एंटासिड होता है, क्या होता है दोस्तों एंटासिड होता है। एंटासिड कैसे बनता है, जैसे कि हमारे पेट में आपको बताओ कौन सा एसिड निकलता है, पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ये भी याद रखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है खाना को पचाने के लिए, अब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो क्या होता है बहुत ज्यादा हमें HCl बहुत ज्यादा बनने लगता है, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज्यादा बनने लगता है हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड मिल्को मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऐसे इन आपकी तो 6 सेकंड में उससे दिखाना शुरू हो जाता है, तो वो सब क्या होता है वो सब एंटासिड ही होता है एक तरह से, और इसे क्या होता है बेस है फिर एसिड पेट में है, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया उसको क्या कर देता है उसको उदासीन कर देता है यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ध्यान रखेंगे उदासीन अभिक्रिया होती है पेट में, अगर बहुत ज्यादा एसिड हम बहुत ज्यादा एसिड पेट रिलीज कर रहा है एसिडिटी की समस्या हो गई है तो इसको उदासीन करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए हम उसमें बेस डालते हैं। बेस का क्या हो सकता है यहाँ पे बेस मिल्को मैग्नीशियम हो सकता है दोस्तों, बेस यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब अगला जो केमिकल है इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका काम क्या होता है, काम होता है एक्वालिजा बनाने में, इंपॉर्टेंट केमिकल याद रखेंगे। एक्वालिजा में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इस रेशियो में होता है 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1 के अनुपात में होता है एक्वालिजा में, ध्यान देंगे एक्वालिजा में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के अनुपात में होता है, लेकिन 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 1 नाइट्रिक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। एक्वालिजा हर एग्जाम में पूछा जाता रहेगा। इसका काम क्या होता है एक्वालिजा, काम होता है कि बहुत ज्यादा कोई मेटल होता है सोना वोना को क्या करता है गला देने का भी काम ये करता है। ठीक है तो एक्वालिजा याद रखेंगे। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट होता है केमिकल जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देखो हमारे पेट में भी पाया जाता है, टॉयलेट क्लीनर वगैरह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गैस्ट्रिक एसिड में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि
जो प्राकृतिक अम्ल होता है, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं का मतलब क्या होगी, प्राकृतिक अम्ल मतलब क्या होगी, जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो कि फलों से फूलों से या इन जो प्रकृति आसपास है हमारे उससे हमें प्राप्त होती है, तो वो सब क्या हो जाता है, वो सब प्राकृतिक एसिड हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है साइट्रिक एसिड एग्जाम्पल होता है, खट्टे फलों में यानी कि नींबू में वगैरह में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड भी इस तरह से ग्रीन लीव्स में, स्पाइनेक में यानी पालक वगैरह में, पालक में टमाटर में, इसमें क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो होता है पाइन एप्पल वगैरह में पाया जाता है, अंगूर वगैरह में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी वगैरह में होता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है इसको अच्छे से, स्टेबल जो भी टोबल आपको मिल रहा है उसको अच्छे से आप चाहे तो वीडियो को रोक के उसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पकड़ कर सकते हैं उसको। तो रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास का मैंने पहले भी कहा है भरपूर फायदा उठाना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो एम ये कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सके इस टाइम पे, ताकि एक प्रॉपर रिवीजन आपका हो सके। तो जो भी तरह के जो आपको टेबल से मिल रहा है उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ना है। एसिटिक एसिड जो घर में देखते हैं विनेगर चाउमिन वगैरह आप खाने जाते होंगे तो वहाँ पे आपको विनेगर मिलता होगा, वो क्या होता है, वो एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मूला भी इसका देख लेते हैं, CH3COOH होता है, याद रखेंगे क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि विनेगर बनाने में काम आता है। ठीक है, इसे हम एक और नाम क्या कहते हैं, केमिकल नेम जो उसका होता है इथेनोइक एसिड कहते हैं, क्या आयोपिक नेम, एक्चुअली इथेनोइक एसिड आयोपिक नेम इसका होता है, क्या इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मिक एसिड होता है, जब चीटी हमें काट लेती है बिच्छू का जो डंक होता है, तो बिच्छू सॉरी चीटी का जो डंक होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है, चलने लगता है हमारा एसिड कारण क्या होता है, चलने लगता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एसिड बेस का इंडिकेटर क्या क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि ब्लू लिटमस क्या होता है, ब्लू लिटमस को अगर एसिड में डाले तो वो क्या होता है, रेड रहता है, बेस में कुछ नहीं होता, रेड लिटमस क्या होता है, बेस में ब्लू हो जाता है। ठीक है, फिनोक्सिलिन क्या होता है, ये कलरलेस होता है एसिड में और बेस में ये पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है बेस में। ये कहीं और से इंफॉर्मेशन नहीं लिया, एनसीआरटी की पुस्तक से इन्फॉर्मेशन लिया, तो साइंस कहीं से भी पढ़ना है सबसे पहले आप एनसीआरटी की किताब पढ़ सकते हैं, एनसीआरटी किताब से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है छठी से दसवीं तक की पढ़ लो एक बार अच्छे से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत सारे सवाल आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिकेटर जो जो कि रंग बदल देते हैं। अगर जैसे कि इंडिकेटर फिनोक्सिलिन हमने क्या किया, अगर हम एसिड में डालते हैं कलर सजाता है, बेस में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। तो ये तो हो गया कि इंडिकेटर जो कलर बदल रहा है, एक तरह का और इंडिकेटर होते हैं ऑसिलेटरी इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं, जो कि जो कि अपना मार्क बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ओनियन है, ठीक है, ओनियन को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है, ओनियन को बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल बदल जाता है। ओनियन यानी कि प्याज होता है, प्याज को एसिड में डालने में कोई बदलाव नहीं आएगा, प्याज को बेस में रखेंगे तो प्याज का जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। वनीला एक होता है इंडिकेटर, इसमें क्या होता है, इसे में कोई नहीं बदलता, लेकिन वो भी बेस में क्या होता है, वनीला का जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। क्लोवर यानी कि जो लौंग का तेल होता है, एसिड में लौंग का तेल जो होता है उसका क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, और बेस में जो होता है वो लौंग का तेल कोई असर नहीं देता है। ठीक है, ग्लोव ऑयल में क्या होता है, होता है एक तरह का ये ग्लोव जो होता है एक तरह का बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है, लॉन्ग जो होता है क्या होता है, क्षार होता है, याद रखेंगे। तो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस तरह सवाल पूछ सकता है कि अगर NaOH में फिनोक्सिलिन डालेंगे तो क्या होगा, तो वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि NaOH क्या बेस है, कॉन्सेप्टली हमें चीजें पता होनी चाहिए, सीधा सीधी हो सकता है सवाल ना पूछा जा सके, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ तक सवाल पूछा जा सके, इसीलिए जो रिवीजन क्लासेस को आप अच्छे से देखेंगे, पूरी एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो मेटल और ओट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओट्स क्या होता है दोस्तों, ओड़ वो चीज होता है जो कि हमें प्राप्त होता है, मेटल जो जमीन के अंदर खुदाई उदाई करके माइंस वगैरह में ओड़ मिलता है, तो ओड़ में से मेटल मिलता है। अब सारे ऐसी चीज जैसे मेटल मिलता है उसको ओड़ नहीं कहेंगे, और यानी ऐसा हम ऐसे तत्वों कहते हैं जो वहां से मेटल जो निकालना होता है, जहां से धातु को प्राप्त करना जो होता है वो इकोनॉमिकली जो होता है वो आसान होता है, मतलब कम पैसे का इस्तेमाल करके हम इफिशियंटली जो होता है वहां से धातु को निकाल सकते हैं, ऐसे ही चीजों को हम ऐसे कहते हैं। तो एसेट में क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है, इसको क्या कहते हैं, गौज। एसेट की गंदगी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, गौज, याद रखेंगे।
तो कुछ ऐसे के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी ऐसे बोलते हैं आप रिवाइज कर सकते हो किताबों से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लो। अमोनियम कैसे कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, याद रखेंगे। कैल्शियम का कौन सा होता है, लाइमस्टोन होता है, सीओसी होती है, चूना पत्थर जो होता है, संगमरमर जो होता है, ये सब लाइमस्टोन होता है। कॉपर क्या होता है, क्यूपराइट, CuCuO होता है, और कॉपर ग्लांस होता है, दो इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर के दो इंपॉर्टेंट होता है, CuCuO होता है और कॉपर ग्लांस होता है। कॉपर ग्लांस क्या होता है, कोई सवाल पूछे कि सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर क्या होता है, तो वो होता है कॉपर ग्लांस। इसके अलावा मरकरी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी का जो असर, तो उसका नाम कहते हैं क्या, सिनाबार। क्या कहते हैं दोस्तों, सिनाबार। मरकरी का यानी कि बारा जो होता है, जो कि वहां पे आपका थर्मामीटर में पाया जाता है, तो वो जो मेटल होता है वो लिक्विड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। एक ही मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है, सिनावर HGS का और होता है, इसका असर होता है। आयरन का बहुत सारे असर होता है, हेमेटाइट होता है, ठीक है, लाल होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट जो होता है एक तरह से मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो होता है चुंबक जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। एफ3 है, वो एफ3 और उसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा सिट्राइट होता है, Fe3CO3। तो ये सब जो है वो आयरन के असर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक बार एक हटा देता हूँ, आप अच्छे से सारे असर देख सकते हैं, एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं और किस तरह के हैं असर, वो भी इम्पोर्टेंट है, कार्बोनेट का है, ऑक्साइड का है, बड़े अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये देखो ये जो है, ये क्या है, मरकरी का और सिनामार। इसके अलावा मिश्र धातु के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, मिश्र धातु क्या होता है। जैसे कि इसका मिसिंग जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो आयरन जो भी मेटल वेटल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या लग जाता है, जंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है, और यानी कि बेटर क्या कंपाउंड बनने लगता है। तो इससे आयरन क्या बनता है, Fe2O3.XH2O बनता है, ये जंग का फॉर्मूला। अब जो ब्राउन परत जो जम जाती है लोहे पे, वो उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाता है कि इसके कारण जो आयरन का जो स्ट्रेंथ होता है, जो मजबूती होती है लोहे की, वो कम होने लगती है। अब लोहे की मजबूती जो है कम होने लगती है, साथ ही साथ जो उसका जो रंग है वो भी खराब होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि लौह जो होता है वो काम को उतना डर नहीं जाता है। तो हम सीधा सीधे लौह यूज करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टील में क्या होता है, आयरन और कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं, आयरन और कार्बन को एक तरह से मिक्स मिक्स कर देते हैं, और ये फिजिकल मिक्सचर होता है, तो ये कंपाउंड नहीं होता है। ध्यान देंगे कि मिश्र धातु के अलावा जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते, यौगिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये कंपाउंड नहीं होते, ठीक है। तो इसका काम कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने में होता है, यहाँ पे जो स्टील का काम कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का काम क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का काम क्या होता है, वो हम जो घर में लेते हैं वो क्या होता है, स्टील का बर्तन होता है, तो वो स्टेनलेस स्टील होता है। आयरन को निकल और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है, याद रखेंगे। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, ब्रास यानी कि पीतल, ब्रॉन्ज यानी कि तांबा। तांबा क्या होता है, कॉपर और टीन का बना हुआ होता है, ठीक है। गन मेटल कॉपर टीन और जिंक का बना हुआ होता है, सोल्डर लीड एंड टीन का बना हुआ होता है। सोल्डर काम क्या होता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ने में सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक कंपाउंड होता है, एक अलॉय होता है, उसमें मैग्नीशियम और अलमुनियम पाया जाता है। तो अलॉय का एक काम ये होता है कि तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको थोड़ा बहुत बदल देता है, और मेटल की प्रॉपर्टी बदल के उसको अलग इस्तेमाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक काम होता है कि इसको मेटल्स वगैरह को जो होता है वो कोरोजन से, यानी कि जंग लगने से, धातुओं में जो जंग लगता है उससे बचाने का काम करता है। जंग लगने से बचाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि एक तरीका होता है दोस्तों गैल्वनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि जो जिंक होता है, जिंक के कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन क्या करते हैं, जिंक के कंपाउंड को हम लोग क्या कर देते हैं, बोल्टन कर देते हैं, यानी कि उसको तला देते हैं, और उसमें हम आयरन वगैरह कुछ डाल देते हैं, इसका उसकी एक परत बन जाती है, जिससे क्या होता है कि और उसमें कोरोजन नहीं हो सकता, ठीक है। और भी तरीका होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर जाते हैं हम, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हुए हमने देखा होगा, उसे क्या होता है कि जंग नहीं लगने से, जंग से बचाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन पे आते हैं, यानी कि कार्बन किस प्रकार में पाया जाता है। कार्बन में जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक होता है कैटेनेशन, एक होता है टेट्रावैलेंसी, याद रखेंगे दोस्तों।
इसी कारण क्या होता है, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। इसका काम मतलब होता है कार्बन जो होता है लॉन्ग चेन बना सकता है, यानी कि लंबे लंबे कार्बन चेन कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। ब्रांच चेन मिलते मिल सकते हैं, साइक्लिक चेन कंपाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कार्बन होता है, एक होता है टेट्रा वैलेंस, यानी कार्बन के वैलेंसी चार होते हैं, चार अलग अलग चीजों से ये जुड़ सकता है। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, और कार्बन भी अपने अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में इस तरह से कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कुछ शीट्स के फॉर्म में है, हेक्सागोनल शीट्स के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। ये सब कार्बन के अलग अलग प्रकार होते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा प्रकार होता है कार्बन, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। कार्बन को ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका मिस्टर प्रोवेंस होता है C60, इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल जैसा होता है, ये भी याद रखेंगे। चारकोल और कोक भी एक तरह के कार्बन के टाइप होते हैं। जो चारकोल का बनता है जब ऑर्गेनिक मैटर को लिमिटेड सप्लाई में हम क्या करते हैं, जलाते हैं। कोक बनता है जब जो होता है कार्बन कोयला का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लकड़ी का डिस्टिलेशन करते हैं, इसका मतलब कि उसको हम बिना एयर के प्रेजेंस में उसको जलाने का काम करते हैं। तो वहां से हमें कोक चारकोल से प्राप्त होता है, ये सब भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री का। इसमें बता देखते हैं कि जो भी हमारे फ्यूल है, जो भी हम ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम जहाँ पे पाया जाता है, कच्चा तेल पाया जाता है, तो उससे कच्चे तेल से हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका होता है जैसे कि आप देखो कि पानी है हमारे पास और अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें दोनों को अलग अलग करना है, तो इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो यहाँ पे अल्कोहल का गलांग जो होता है वो कम होता है पानी से, तो एक टेम्परेचर पे आएगा जब अल्कोहल क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा सारा, ठीक है। तो सारा अल्कोहल हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, अलग जगह इसको स्टोर कर लिया ठंडा करके। तो क्या हो गया कि इसको हम गर्म किए, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो दोनों जो चीजें होंगी वो आपस में सेपरेट हो गई, इवेपोरेट होकर अलग हो गया, बच गया पानी, ठीक है। ऐसे तीन चार चीजें जो हम बहुत सारी चीजें हम रख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल जो कच्चा तेल होता है हमारा, जो ऑब्टेन होता है रिफाइनिंग होता है, वहां पे क्या होता है कि कच्चा तेल इसमें बहुत सारा है, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी चीजें निकाली, पेट्रोल भी इसी से निकलेगा, डीजल भी इसी से निकलेगा, ठीक है, गैसोलीन वगैरह भी, नेफ्थलीन, एलपीजी वगैरह सब यहीं से प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं कि इसको हम एक टैंक बना के गर्म कर देते हैं, ठीक है। अब गर्म करने के बाद जिसका जैसा जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां से वैसे वो चीजें वो निकलने लगती है, ठीक है। पेट्रोल 70 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, 70 डिग्री पेट्रोल क्या हो जाता है, वो गैस बन के यहाँ से निकलने लगता है, और फिर उसको हम वापस से अपने जिस फॉर्म में जाइए वहां पर रख लेते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, सब अपने टेम्परेचर पर क्या होता है, किरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, सब अपने टेम्परेचर पर निकलने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से क्या होता है कि पेट्रोल से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं। समुद्र मंथन का नाम सुना होगा पौराणिक कथाओं में, उसमें क्या होता है चीजों को हम लोग समुद्र से निकाल देते, एक तरह से कह सकते हैं समुद्र मंथन का एक तरीका होता है कि जो समुद्र से जो हमें पेट्रोल प्राप्त होता है उससे हम अलग अलग चीजें निकालते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म कर, ठीक है। तो जैसे कि अब पहले पेट्रोल निकल गया तो डिग्री आया, फिर 120 डिग्री आया तो वहां से नेफ्थलीन निकल गया, फिर 180 डिग्री आया तो वहां से किरोसिन निकल गया, है ना। तो जो गैस बनते जाता है वो यहाँ से निकलते हुए जाता है, जो गैस बन गया वहां से निकल गया, वापस ठंडा करके अपना स्टोर कर सकते हैं जहां स्टोर करना चाहते हो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फ्यूल्स में आप देखो कोयला वेला तो इंपॉर्टेंट कभी कभी सवाल बन जाता है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमेन, ये सब क्या होता है, कोयला के टाइप होते हैं, लिग्नाइट सब कोयला के टाइप होता है। और एंथ्रासाइट क्या होता है, हाईएस्ट शेडिंग वैल्यू हो, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को माना जाता है, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखेंगे। बिटुमिनस के बाद भी आता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड कितना पाया जाता है किस कोयले में, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होता है पॉलीमर्स का। पॉलीमर काफी सारे पॉलीमर होते हैं जिसका काम इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको एक बार टेबल को अच्छे से देख लो। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स हैं और उनका क्या क्या काम है यहाँ पे, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। उनका निर्माण किस तरह से होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है किस काम के पर्पज के लिए, तो इसको एक बार गोथ्रू कर लेते हैं। रेयॉन जो होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर जैसा ही होता है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज से बना हुआ होता है,
सवाल पूछा जाए कि इनमें ऑप्शंस देखे कि कौन सा जो है वो सेल्लुलोज से बना होता है, उत्तर क्या होगा? रेयॉन होगा, ठीक है। नाइलॉन भी एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि हीट रेसिस्टेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाइलॉन जो होता है काफी प्रयोग आज के दिन में किया जाता है। नाइलॉन 66 इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोनोमर हेक्सामिथाइल। नाइलॉन 6 जो होता है वो एक तरह का मोनोमर होता है, तो याद रखेंगे नाइलॉन के अलग अलग जो फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलिस्टर क्या होता है? फाइबर कंटेनिंग एस्टर ग्रुप होता है। यहाँ पे एस्टर जो होता है एक कंपाउंड होता है जो कि एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करके बनता है। तो पॉलिस्टर मतलब एस्टर का बहुत सारे एक पॉलीमर बेसिकली क्या होता है, एक पहले मोनोमर होता है, ठीक है, एक छोटा सा कंपाउंड ये चीज है ना। अब इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा चेंज अगर हम बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर जो कि एक तो एक सिंपल पॉलीमर एक ही तरह के कम एक ही तरह के मोनोमर उसे बना हुआ, अगर दो मोनोमर से बना होता है, दो या दो से अधिक मोनोमर से बना होता है कोई पॉलिस्टर, तो उसको क्या कहता है? उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसका एग्जाम्पल ये आपका नाइलॉन है, ठीक है, नाइलॉन 66। इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लें, देख लें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो और तरह के पॉलीमर जैसे टेडिलीन होता है, एक पीटी होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसको डायक्रोन भी कहते हैं। अब दो तरह के इंपॉर्टेंट प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है, ठीक है। थर्मो प्लास्टिक क्या होता है कि चीज करने पर ये गर्म हो जाते हैं, बट अपने बट और अगेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आफ्टर कूलिंग एंड ठंडा होने पर वापस अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। और थर्मोसेटिंग क्या होता है कि सॉफ्ट नहीं होते हीट होने पे, और एक बार कुछ चेंज कर दिया जाए तो वो चेंज ही उसमें फॉर्म बदल जाते हैं। क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे होता है थर्मोसेटिंग में और थर्मोप्लास्टिक के क्या क्या अंतर है यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एग्जाम्पल से सवाल आता है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पेक्लैट, मेलामाइन, ये जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलीमर के, याद रखेंगे पेक्लैट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपने अच्छे से उसको देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वीडियो को वापस पीछे जाके आप उसको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ा है वहां सवाल आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आप कुछ सवाल को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस तरह के सवाल आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम ये जो सवाल है वो पिछले वर्ष यूपीएससी पीटी में पूछा गया। आप सवाल सवाल है क्या कह रहा है देख लेते हैं। 18 कैरेट सोने में क्रेश होने का प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो कैरेट गोल्ड क्या होता है? जैसे कि ये प्योर गोल्ड होता है, एकदम गोल्ड एकदम प्योर शुद्ध खड़ा सोना इसको बोलते हैं, वो होता है कितना? वो होता है 24 कैरेट का, ठीक है। क्या होता है? शुद्ध सोना जो होता है कितना का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है। अब 24 कैरेट है यहाँ पे, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है। क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, बराबर होता है पढ़ा होगा छोटी चीजें आपको पता होगी, 3/4 कितना होता है? 75% के बराबर होता है, ठीक है। तो सही तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 75%, याद रखेंगे 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड। उसके बाद इस तरह सवाल है, उसको परसेंटेज हम निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ लेमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, लेमन में जो टेस्ट होता है उसका खट्टापन जो होता है उसके कारण होता है साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में हमेशा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सा जितना तो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, और फिर क्या है? लाइम वाटर, लाइम स्टोन, चौक या मार्बल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाकी तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखेंगे, ठीक है, लाइम वाटर। और क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं क्या? बिना बुझा चूना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following statement regarding bleaching quantity is correct? Both are inorganic compound, both are organic compound, both contain chlorine, both contain calcium. ठीक है, ब्रिंजक चून वैलिडिटी के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों अकार्बनिक यौगिक है, दोनों कार्बनिक यौगिक, दोनों में क्लोरीन होता है, दोनों में कैल्शियम होता है, दोनों में क्लोरीन होता है, तो सही उत्तर होगा बोथ कंटेंट क्लोरीन, क्योंकि दोनों में क्लोरीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, डीडीटी में भी क्या होता है क्लोरीन पाया जाता है। जो तो फॉलोइंग एसिड इज प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोस, टोमेटोस में पाया जाता है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बाकी के बारे में पढ़ा, लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये जो होता है वो दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक और काम होता है कि अगर हमारे शरीर में क्या होता है कि अगर रेस्पिरेशन सही से नहीं हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या होगा? ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और इससे क्या होता है हमें क्रैम्स वगैरह होने लगता है, हमारे पास पर जो दर्द करने लगता है वो कारण करने लगता है, जो लैक्टिक एसिड के कारण वो करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स हैज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, इनमें से कौन सा जो एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक भी होता है और बेसिक भी, यानी क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। कैसे होता है? कैसे? जिंक ऑक्साइड जो होता है ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। इसके अलावा अल्मोनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3, वो भी इसी तरह का ऑक्साइड होता है। इसे कहते हैं, दोनों को कहते हैं क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सवाल आपसे पूछा सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो जिंक ऑक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये दोनों एसिडिक और बेसिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ, इमल्सन क्या क्या बनता है? एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक लिक्विड गैस, दो लिक्विड या दो सॉलिड, से उत्तर क्या हो जाएगा? दो लिक्विड का इमल्सन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कोलाइड बनते हैं, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं जो लिक्विड, लिक्विड और गैस, लिक्विड को अगर गैस में डालते हैं तो लिक्विड एरोसोल बनता है, इसका एग्जाम्पल क्लाउड फॉग वगैरह आपने देखा होगा, धुंध छाने लगे दिल्ली में, अभी से धुंध वगैरह छाने लगे थोड़ा थोड़ा आपको सुबह में अगर देखेंगे तो। ठीक है, सॉलिड और गैस अगर मिलता है तो एरोसोल बनता है। ठीक है, गैस और लिक्विड बनता है तो फोम बनता है, एग्जाम्पल क्रीम वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड और लिक्विड डालते हैं तो मल्सर बनता है, उदाहरण होता है मिल्क, ये सब क्या है? ये सब कोलाइड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है दोस्तों कोलाइड का एग्जाम्पल, कोलाइड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। ये ना तो पूरी तरह से एक तरह से ना तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, या ना पूरी तरह से कह सकते हैं ना हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, बीच बीच का एक संबंध होता है, तो कोलाइड का काम यही होता है कि ठीक है सॉलिड लिक्विड में सॉलिड डालता है तो सोल बन जाता है, गैस में सॉलिड डालता है सॉलिड फॉर्म बनता है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड में और लिक्विड डाल दे सॉलिड एमल्सन बनता है, एग्जाम्पल बटर चीज वगैरह, सॉलिड में सॉलिड डालते सॉलिड फ्लोर बनता है, एग्जाम्पल गैस वगैरह वगैरह, तो ये अलग अलग कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद करेंगे इसमें क्या डालने पर क्या बनता है, और भी कुछ एग्जाम्पल से सवाल से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कंपाउंड इज यूज्ड टू ऑप्टिंग इन हार्ड वाटर, इसके एग्जांपल कर चुके हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2SO3, सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका काम क्या होता है? वाटर की हार्डनेस को हटाना। अगला सवाल से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लीटर इन इट्स सैंपल, सी इनमें से कौन सा है इसका केमिकल सैंपल में सिर्फ एक लीटर, एक लीटर है, कॉपर का सैंपल क्या होता है Ca, कैल्शियम क्या होता है Ca, क्लोरीन क्या होता है सी, और कार्बन क्या होता है सी, सी बस कार्बन में है, सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो केमिकल जो छोटे छोटे कम से कम 20 तक के तो आपको याद होने चाहिए कि जो एलिमेंट है उनका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, केमिकल एलिमेंट उनका क्या है, केमिकल एलिमेंट के साथ साथ ये उनके जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सॉलिड में पाया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़ाएंगे, गलतियां नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि एक एक पॉइंट क्वेश्चन का जो होता है महत्वपूर्ण होता है। अखबार बड़ी में कुछ पॉइंट हमने मिस कर दिया सवाल का, तो गलत ऑप्शन में टिक करके आ सकते हैं, एक नंबर का नुकसान एक हो जाए। यहाँ पे पीपीटी की बात की जाए तो 1.25 नंबर का यहाँ पे नुकसान आपको हो जाएगा, है ना। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल सोर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द हाई कैलोरी वैल्यू। निम्न में से इन सोर्सों को उच्च कैलोरी मान के अनुसार से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, पेट्रोल, रबर, एलपीजी, एलएनजी। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होता है, एलएनजी में होता है। एलएनजी के बाद क्या होता है, एलपीजी में होता है। एलपीजी के बाद जो कैलोरी वैल्यू होता है वुड का होता है, ठीक है। और जो सबसे कम होता है इनमें से, सॉरी एलपीजी के बाद पेट्रोल का नंबर आएगा और फिर वुड का होगा। कैलोरी वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कैलोरी वैल्यू मतलब जैसे कि एक किलो जैसे कि पेट्रोल जलाया हमने और एक किलो हमने एलपीजी जलाया, तो ज्यादा ऊर्जा कौन दे, ज्यादा ऊर्जा देगा एलपीजी, इसलिए कैलोरी वैल्यू जो होगा वो एलपीजी का अधिक होगा। ठीक है, तो ये नंबर है एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और वुड, तो एक किसमें आ रहा है, एलएनजी आ रहा है 4, 3 एलपीजी, एक पेट्रोल, फिर वुड का सबसे कम होता है, लकड़ी का सबसे कम कैलोरी होता है। 4312 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबका कैलोरी वैल्यू दिया हुआ है, पेट्रोल का, वुड का, एलपीजी का, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस बेसिकली होता है। एलएनजी क्या होगा, आप सोच रहे हो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन देखो इनमें सबसे अधिक कैलोरी वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी, सेम मात्रा में अगर हम जलाने की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी। बारहवां सवाल आपको सामने लिख रहा हूँ, ये कहता है कि विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज टू फ्रीज मीट, मीट मीट को मतलब ठंडा रखने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन का करते हैं, सॉलिड CO2 करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2 करते हैं, इसको कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको सॉलिड फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, वेबसाइट पर आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। तो ड्राई आइस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में सॉलिड रूप होता है, सवाल आप पूछा सकते हैं ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो इसका काम यही होता है कूलिंग वगैरह करना, ठंडा रखना चीजों को, और तो ड्राई आइस एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, ये एक खराब हार्मफुल गैस होता है, ये हमारे खून में मिल जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और इसको ये कम करने का काम करता है। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस होता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल कौन है, क्लोरोफ्लोकार्बन ये तो नहीं होता, सीएफसी से क्लोरीन आ जाता है, मीथेन ये CH4, ठीक है ये तो है हाइड्रोकार्बन, ये जगह सही उत्तर। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 होता है, एसिटिक एसिड, एसिड होता है CH3COOH होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो मीथेन ही इस तरह का एक कंपाउंड इन ऑप्शन में दिया हुआ। अगला सवाल कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर एक्सेप्ट, इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके अलावा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के अलावा बाकी सारे क्या है, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, पॉलिएस्टर जो है बस एस्टर का बना हुआ होता है, बाकी सारे में आप देखो पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, इसमें क्या होता है, अलग अलग मोनोमर का इस्तेमाल करके कंपाउंड को बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये नाइलॉन, इस पे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलाइन डाइएमाइड को मिला के जो है वो इस नाइलॉन को कंपाउंड को बनाया गया, एक तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉलीमर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे सवाल सीधे सीधे सवाल आसान आसान सवाल ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पॉलीमर के इस्तेमाल के लेके वो किस तरह का पॉलीमर है उसको लेके और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन एंटासिड, मींस कौन सा है जो एंटासिड के रूप में काम नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, और अल्मोनियम कार्बोनेट
एक्चुअली में देखा जाए तो अल्मोनियम कार्बोनेट जो होता है वो उतना अच्छा एंटासिडिक रूप में काम नहीं करता है, ब्रेकअप हो जाएगा क्या अल्मोनियम कार्बोनेट, ठीक है। बाकी सारे जो है एंटासिडिक रूप में यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपको पूछा गया कि लैसिस तो ऑप्टोप्रोपिल में मुझे मर्करी का कौन सा होता है, सिनामाइड, हेमेटाइट, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, ये तीनों होते हैं लॉग के असर, लॉग असर होते हैं ये तीनों, और ये सिनामाइड जो होता है ये पारा का असर होता है, यानी कि मर्करी का और होता है मर्करी और होता है पारा का असर होता है, क्या सिनामाइड याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि ऑनऑटोमिक ब्रोंज विद कॉपर एंड जिंक डैश एलिमेंटेशन, कॉपर और जिंक के साथ ब्रोंज बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हैं किसका, टी का, कॉपर जिंक और टी, टी का इस्तेमाल करते हैं ऐसा, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमन नाम क्या है इनमें से, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है, तो चर्चा की थी बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें बेकिंग सोडा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, करण उपलब्धि इंडिकेटर अल्कलाइन मीडियम इज उपलब्धि अल्कलाइन यानी कि क्षारीय माध्यम क्या हो जाता है, व्हाइट पिंक येलो या लाइट ग्रीन, संयुक्त हो जाएगा गुलाबी यानी कि पिंक हो जाता है, चर्चा की है हमने इसके बारे में इस वीडियो में। अगला सवाल कहता है कि गैस यूज आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, जो फल वगैरह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं पकाने के लिए कभी कभी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, गलत भी होता है, और वो कौन सा केमिकल होता है, तो केमिकल होता है एसिटालिन, याद रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन पर आधारित होते हैं और इनसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्विक रिवीजन जो आपने का जो लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया होगा। तो जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे, तो जो भी आप को पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, जो टेबल्स हमने यूज किया है उसको आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं, एंड आपको परीक्षा के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, और इसी के साथ अच्छे से एग्जाम दें, स्वस्थ रहें, अपने आप ख्याल रखें, और एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा आप दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने काफी अच्छी पढ़ाई की है, लगातार जो वीडियो सीरीज चल रहे हैं आपने फॉलो किया, तो हमने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा रिविजन किया हुआ आपने, मॉक टेस्ट के माध्यम से भी अच्छा खासा रिविजन कर लिया होगा, तो आपको घबराने की उतनी आवश्यकता है नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से जाए और जो भी अपना सेंटर है वहां पे आप जाके समय से पहुंच के अपना एग्जाम को दे दे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।